इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक में कॉलेजेस को शुरू किया गया था, जल्द ही स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया जाने वाला था। वालिदैन भी स्कूलों को शुरू करने के फैसले का इंतजार ही कर रहे थे। तकरीबन 8 महीने से भी ज्यादा अरसे से कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को बंद रखा गया, लिहाजा जब से कॉलेजेस को शुरू किया गया है मर्ज कोरोना पॉजिटिव होने वाले तलबाओं की तादाद में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक 150 के करीब कोरोना मुतासिर पाए जाने की खबर है, तो असातिजाओं में 50 से भी ज्यादा कोरोना मुतासिर पाए गए, जिससे एक बार फिर कॉलेजेस को ही बंद करने के बारे में सोचा जा रहा। वही स्कूलों को दिसंबर से शुरू करने का जो फैसला रियासत कर्नाटक की जानिब से लिया गया था, अब शायद स्कूलों को भी शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बच्चों में एक तरह की मायूसी नजर आ रही है। वही वालिदैन सेहत के मद्देनजर स्कूलों को अभी भी बंद रखने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। आज इसी के मद्देनजर बेंगलोर में मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें दिसंबर से स्कूल कॉलेजेस को शुरू न करने का फैसला फिर से लिया गया। मीटिंग में वजीर आला येडियुरप्पा, वजीर तालीम या सुरेश कुमार और दिगर जिम्मेदारान भी शरीक रहे। इन्होंने कहा कि यह फैसला तलबाओं के हक में लिया गया, फिलहाल तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद ही रहेंगे। हालात का जायजा लेकर दिसंबर के तीसरे हफ्ते में फिर से सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। पिछले 8 महीनों से भी जायद अरसा घरों में तलबाओं का बैठना, नाकाम ऑनलाइन क्लासेस, देहात में और शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में रुकावट और सबसे बड़ी बात बच्चों में पढ़ने का शौक घटते जाना, जिससे मोबाइल और दिगर खुराफात में बच्चों की ज्यादा तवज्जो, मुंतशिर जहन, जिससे वालिदैन भी काफी बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे। सरकारी स्कूलों के असातिजाओं से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स का मामला काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों की फीस पर ही तमाम अखराजात का दारोमदार रहता है। स्टाफ की तनख्वाह भी बच्चों की फीस से ही अदा की जाती है। जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो वालिदैन भी फीस अदा नहीं कर सकते, लिहाजा निजी स्कूलों में मुलाजिमत करने वाले असातिजाओं के सामने गुजारा कैसे करे वाला मसला आन खड़ा हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि सैकड़ों की तादाद में ना सिर्फ बेलगाम बल्कि रियासत के मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट स्कूलों में तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले असातिजा है, पर स्कूल मैनेजमेंट इन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते, लिहाजा कईयों को स्कूलों से बाहर भी कर दिया गया। तो कुछ जो भी तनख्वाह मिल रही है, जो भी छोटी मोटी, किसी तरह गुजर बसर किया जा रहा। अफसोसनाक मकाम यह है कि जो भी आधी अधूरी तनख्वाह मिल रही है, इसमें मकान किराए तक अदा नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। अब रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाले असातिजाओं की कैफियत यह है कि अब भुखमरी के कगार पर आन खड़े हैं। जब तमाम फैसलों के लिए हुकूमत बार बार सलाह मशवरा कर रही है, मीटिंगों को तलब किया जा रहा है, पर क्या इन मजबूर बेबस असातिजाओं के लिए भी कोई मीटिंग तलब की गई है? हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किया जा रहा है? कोरोना से तो अब तक 150 तलबा और 50 असातिजा मुतासिर हुए हैं, पर हर रोज भुखमरी की कगार पर पहुंचकर बेबसी की वजह से इन पहुंचे इन असातिजाओं के बारे में कौन सोचेगा? पिछले 8 महीनों से तनख्वाह ना मिलने पर मजदूरी करने की नौबत इन पर आई हुई है, क्या इसका ख्याल येडियुरप्पा हुकूमत को है? लिहाजा अपनी कैफियत को निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिजाओं को बयान करना चाहिए और हुकूमत के सामने अपने मुतालबात भी पेश करने चाहिए। वैक्सीन की जरूरत पर तो हर रोज चर्चे मुबासे डिबेट किए जाते हैं, पर असातिजाओं की रोजी रोटी पर भी तो कभी सोच फिक्र मजलिसें नहीं होती। बच्चों को घरों में बेकार मोबाइल पर वक्त गुजरते देख करीब कई वालिदैन ने बच्चों को काम पर भेजना मुनासिब समझा, तो कुछ लोगों ने गरीबी ने बच्चों को मजदूरी करने पर भी मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर यह तस्वीर नजर आ रही है कि असातिजा और बच्चे बेकारी की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर है। सरकारी स्कूलों से भी ज्यादा निजी स्कूलों की तादाद ज्यादा है, जाहिर असातिजाओं की भी तादाद ज्यादा है, मतलब आने वाले दिनों में अनपढ़ लोगों की तादाद में इजाफा ज्यादा होगा। कोई इसे कबूल करे या ना करे, पर यह सच्चाई है, इस पर तवज्जो जरूरी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।